दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर दुकानों का नाम और दुकानदार का नाम बताने वाले यूपी सरकार के फैसले पर अब बीजेपी के ही साथी विरोध जताने लगे हैं। जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी तीनों ने विरोध किया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि यूपी से बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां ऐसे कोई आदेश नहीं है। पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वह पीएम मोदी के इस स्लोगन के खिलाफ है। इस फैसले पर योगी सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राजनीति में धर्म जाति नहीं होनी चाहिए, ये उचित बात नहीं है। दुकानों के बाहर नाम लिखवाना परंपरा गलत है। जनता की मर्जी है कि कहीं से भी खरीदे। उन्होंने कहा कि शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है क्या? क्या सिर्फ मीट पर ही धर्म भ्रष्ट होता है? आरएलडी महासचिव ने कहा कि यूपी के मंत्री शराब पर क्यों नहीं बोलते? गरीबों की दुकानों पर उंगली उठाते हैं तो शराब पर एक्शन क्यों नहीं? मुसलमान तो कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान ने कहा कि वह मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा दुकानों और दुकानदार का नाम बताने वाले फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले पर चिराग पासवान ने कहा कि जब भी जाति और धर्म के नाम पर कोई विभाजन होता है तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। सीएम योगी के आदेश पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि कांवड़ यात्रा शिविरों में हम लोग पहले से सेवा तक तैयार है। कांवड़ यात्रियों की पोशाकें भोजरी मुसलमान कारीगर बनाते हैं। मेरठ में कांवड़ को सजाने का काम मुसलमान करते हैं। आप नफरत की जो बातें करते हैं इससे कोई फायदा नहीं है। कांवड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आपस में प्यार मोहब्बत है। हम आपके एजेंडे से भटकने वाले लोग नहीं है। योगी सरकार के आदेश को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह आदेश मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने का प्रयास है, ताकि किसी भी हिंदू श्रद्धालु को गलती से भी मुस्लिम दुकान से कुछ खरीदने की नौबत न आए। उन्होंने इस फैसले की तुलना हिटलर के जर्मनी में यहूदी व्यवसायियों के बहिष्कार से की है। सीएमओ ने अपने आदेश में क्या कहा? मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गो पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानदारों पर संचालन मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। सीएमओ के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले होर्डर बेचने पर भी कार्रवाई होगी।